दोस्तों आज के टाइम में टीवी इंडस्ट्री और टीवी एक्ट्रेस की बॉलीवुड सेलिब्रिटी से पीछे नहीं है, क्योंकि आज भारत के हर घर में टीवी को देखा जाता है और इन सीरियल्स में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को आज हर कोई जानता और पहचानता है। लेकिन आप शायद ही जानते हो कि इनमें से कई ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जिनके करियर में खूब संघर्ष होता है, लेकिन इनके करियर में एक ऐसा सीरियल आता है कि इनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है और जो एक साइड रोल एक्ट्रेस से बन जाती है एक सेलिब्रिटी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टीवी सेलिब्रिटी, टीवी एक्ट्रेस जो कि एक सीरियल से हुई मालामाल और बन गई बड़ी सेलिब्रिटी। नंबर 5 हिना खान। दोस्तों 12 जनवरी 2009 को जब टीवी पर एक नया सीरियल प्रसारित हुआ तो इस सीरियल को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि शो की हीरोइन अक्षरा जानी कि हिना खान हर घर में फेमस हो गई। पहले जिस अभिनेत्री को कोई नहीं जानता था वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि शो जबरदस्त हिट हुआ और फिर शो के 2 जनरेशन ले पाए और वो भी काफ़ी हिट हुए। और ये सीरियल पिछले 14 सालों से अभी भी चल रहा है और हिना खान ने भी इस शो के बाद बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और कसौटी जिंदगी जैसे फेमस शो में काम किया। आज वो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। नंबर 4 दिशा बिकानी। टीवी दुनिया का सबसे अनोखा किरदार दया भाभी और इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा बिकानी ने खिचड़ी सीरियल में एक छोटे से किरदार से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2008 में आए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया के किरदार ने इनकी ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि इस शो के रिलीज होते ही लोगों को इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा कि ये आज भी पिछले 14 सालों से लगातार चलता आ रहा है। और सीरियल की फेमस होने की एक और वजह सीरियल के अनोखे किरदार जैसे कि दया भाभी, जिन्हें आज लोग छोड़ने के बाद भी बहुत याद करते हैं। दिशा बकानी ने अपने बच्चों की केयर के लिए 2017 में तारक मेहता शो को छोड़ दिया था। अब तक इनकी वापसी शो में नहीं हुई, लेकिन आज भी ये बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और इन्हें आज तक बेस्ट कॉमेडी एक्ट्रेस के लिए टोटल 4 अवार्ड मिल चुके हैं। नंबर 3 शिवांगी जोशी। 25 साल की शिवांगी को आज हर कोई जानता है, जिसकी वजह है इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी। और इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह इनके द्वारा निभाया गया नायरा गोयनका का किरदार। अक्षरा के बाद नायरा का किरदार निभाकर शिवांगी जोशी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई जिन्हें इससे पहले कोई नहीं जानता था, आज टीवी की सबसे पॉपुलर और फेवरेट एक्ट्रेस बन चुकी है। शिवांगी जोशी के इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर है और ये एक एपिसोड का 1 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। ये कुछ टाइम पहले खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आ चुके हैं और खबरें थी कि ये वहाँ पर 1 हफ्ते के 15 लाख रुपये चार्ज करते हैं। और आज इनकी पॉपुलैरिटी किसी से भी छुपी नहीं है, ये भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। 2 रुचा हसबनी। सास निभाना साथिया जिसे हर घर में देखा जाता था, जिसकी वजह से वे अपने टाइम का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल था और इस शो की मेन स्टोरी थी सास और बहू की। इस सीरियल में सबसे पसंदीदा करेक्टर राशि जिसे एक्टर रुचा हसबनी ने निभाया था। इनका रोल भले ही सीरियल में थोड़ा नेगेटिव शेड में नज़र आया था, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि इस सीरियल में ये एक सफल अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन इन्होंने 2015 में इस शो को छोड़ दिया था और शादी करके अपने करियर से ब्रेक ले लिया था। तब से इनका कोई भी दूसरा सीरियल नहीं आया, लेकिन आज भी लोग इनके इस किरदार को याद करते हैं। 1 रूपाली गांगुली। अनुपमा जैन की हर घर की फेवरेट, हर घर में जाने जाने वाली संस्कारी और सबसे अच्छी माँ, बेटी और बहू अनुपमा को आज के समय में शायद ही कोई ना जानता हो, क्योंकि इस सीरियल ने टीआरपी में हमेशा ही टॉप की जगह पाई है। अनुपमा के आंसू और घरेलू प्रॉब्लम ने टीआरपी में आए दिन तड़का लगाती रहती है और इस सीरियल के मुख्य किरदार अनुपमा को निभाने वाली 46 साल की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से पीछे नहीं है। जय रूपाली ने अपने करियर में काफ़ी संघर्ष किया है। 2001 में आए सीरियल सुकन्या से इन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया, लेकिन 2021 में आए सीरियल अनुपमा में लीड रोल निभाकर इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी और ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि देश भर में प्रसिद्ध हो गया। आज ये 1 एपिसोड के 2 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। तो दोस्तों इन सभी एक्ट्रेस में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन से, इनमें से आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।